बीते 4-5 दिनों से अडानी ग्रुप के साथ क्या हो रहा है आप जानते ही हैं। अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक हैं धड़ाधड़ गिर रहे हैं। अडानी ग्रुप पर हिंडेनबर्ग रिपोर्ट ने जो सबसे मेन एलिगेशन लगाया है वो है स्टॉक मैनिपुलेशन का। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या है स्टॉक मैनिपुलेशन और किस तरह से अडानी ग्रुप के सिर्फ 3-5% ही मार्केट में अवेलेबल है इन्वेस्टर के लिए। हिंडेनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर बहुत से आरोप लगाए हैं, जल्द ही आने वाली वीडियो में उसके ऊपर चर्चा होगी। बट आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मैनिपुलेशन के बारे में, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा। तो सबसे पहले स्टॉक मैनिपुलेशन होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं स्टॉक मार्केट डिमांड और सप्लाई के रूल को फॉलो करती है, वही सिंपल सा इकोनॉमिक्स वाला रूल, मतलब कि अगर स्टॉक की डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है रेट बढ़ेगा, अगर सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो रेट गिरेगा। लेकिन अगर क्या हो, अगर सप्लाई को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सिर्फ 3-5% ही शेयर इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल है, वो कैसे, 73% शेयर्स प्रमोटर के पास यानी कि अडानी ग्रुप के पास ही है। इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से 75% तक रख सकते हैं, जो कि इन्होंने 73% तक रखा हुआ है, तो बचे कितने, 27% शेयर, जिसमें से 15% मॉरिशस, कैमन आइलैंड, जहां इनके भाई की कंपनी है वहां से कंट्रोल होते हैं। और हिडेनबर्ग रिपोर्ट का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये 15% शेयर इनडायरेक्टली अडानी ग्रुप से ही कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो अब बचे कितने, सिर्फ 10-12% शेयर, तो जिसमें से भी 10% पर कहा जा रहा है कि मोटे इन्वेस्टर, जैसे कि बात करें हम SBI, LIC, इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो अब जनता के पास यानी कि जो रेगुलर इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, उनके पास कितना बचा, सिर्फ 3-5%। तो यहां पर सेम फंडा, सेम रूल फॉलो होता है, अगर सप्लाई ही कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है स्टॉक के रेट बढ़ेंगे ही। तो ऐसा ही लास्ट 2 साल में कुछ अडानी ग्रुप के शेयर के साथ भी हुआ। तो चांसेस है कि जितना बड़ा कोलैप्स होने को हमें दिखाई दे रहा है उतना कोलैप्स ना हो। रीजन सिंपल है, क्योंकि 75% से अबव शेयर तो कंपनी के पास खुद ही है, और आप खुद बताइए कि कंपनी अपने खुद के शेयर लॉस में क्यों बेचेगी। खैर, इसके ऊपर आने वाले टाइम में थोड़ी और वीडियो बनाई जाएगी, जो भी एलिगेशन लगाए हैं हिडेनबर्ग रिसर्च कंपनी ने वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। बट हाल फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत मुझसे मिस्टेक हुई हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। बट हाल फिलहाल बस इतना ही।